Rectification of error means correcting mistakes in bookkeeping. See, before anyone can try rectification of mistakes, one should know the correct accounting process and mistakes which may occur at each stage. देखो, हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाई करना है, कुछ मिस्टेक हो गई तो रेक्टिफाई करना है. पहले तुम लोग बोल रहे हो मैं ट्राई करता हूं रेक्टिफिकेशन, तो तुम लोग को ये तो मालूम होना चाहिए कि करेक्ट चीज क्या है पहले, और फिर मिस्टेक्स कहां पे हो सकती है ये तो मालूम होना चाहिए ना कि कहां कहां पे मिस्टेक हो सकती है. अभी मैंने फर्स्ट लॉट को एक बार सबको आउट कर दिया है मीटिंग से. अभी अभी नए कैमरा चालू होगा तो रिमूव होगा. हाँ, ये लिखना है तो है ना, तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस, सी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं. कैश एंड कैश एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन कहां लिखते हैं? कौन सी बुक है? Now, cash transactions are recorded in which book? Cash book, hai ki nahi? And non-cash transactions then which Shetty camera is not on?
नॉन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं ना जो, वो लिखे आते हैं परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल। और जर्नल में लिखे जाते हैं कि नहीं? नौ कैश बुक, इट कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स, वन रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड। मेकिंग एंट्री ऑन रिसीट साइड मीन्स कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, है ना? अगर हमने रिसीट साइड पे एंट्री की, मतलब क्या हुआ, किसको डेबिट कर दिया हमने? वी हैव डेबिटेड व्हाट? कैश और बैंक अकाउंट। फॉलो दिस, अकाउंट नेम रिटर्न ऑन रिसीट साइड इज क्रेडिटेड, मेकिंग एंट्री ऑन पेमेंट साइड मीन्स कैश और बैंक इज credited, account name written on payment side is to be debited। अब देखो क्या होता है कि फटाफट देखो एक एक चीज, देखो ये देखो कैश बुक होती है ऐसी, लिखते जाओ मेरे साथ। देखो ये कैश बुक होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, और हम लोग शुरू करेंगे प्रॉब्लम भी। ए रिसीट्स कैश बैंक, है ना? पेमेंट्स कैश और बैंक, ये है कि नहीं बताओ? अभी यहां पे अगर तुम लोग ने लिखा टू अशोक 500, टू सेल्स 7000, है कि नहीं? बाय विनय 9000, चलो तीन एंट्री करते, तो ये क्या हुआ? कैश डेबिट हुआ, यस और नो? और विनय अशोक को क्रेडिट करना पड़ेगा। व्हाट यू टू डू? अभी इसमें स्टेप्स समझो कि हमको अगर हम अशोक अकाउंट बनाएंगे, इफ वी प्रिपेयर अशोक अकाउंट तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश 5000, है ना?
अगर हम बना दे कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट, तो यहां पे आएगा बाय कैश 7000, है कि नहीं? और अगर हम बना दें विनय अकाउंट, यहां पे बाय बैंक लिखो, सी अभी बहुत दिन तक ऑनलाइन चलेगा बिकॉज केसेस आर वेरी वेरी हाई। ये लिखो, ये कैशबुक मालूम पड़ा तुम लोगों को, पोस्टिंग कैसी होती है लेजर में मालूम पड़ा? ये कैश डेबिट हुआ और यहां पे कौन कौन क्रेडिट होगा? अशोक। ये बैंक डेबिट हुआ और क्रेडिट होगा सेल्स, और ये कैश क्रेडिट हुआ एंड डेबिट होगा विनय। ये लिखा सबने? हाँ, वेरी गुड, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। बोलो, मैं तुम लोगों को म्यूट नहीं किया हूं। ना इसमें ना दो स्टेजेस होती है, देयर आर टू स्टेजेस। देयर आर टू स्टेजेस इन द अबव प्रोसेस। वन, एंट्री इज मेड इन कैश बुक, एंड सेकेंड, एक तो देखो पहले इधर लिखने का होता है, ये एक स्टेप ये हुआ, फिर सेकंड स्टेप ये हुआ, है कि नहीं? हाँ, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ। पहले एंट्री करो कैशबुक में, तो देर आर टू स्टेजेस। लिख दो ये फटाफट,
देखो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इतना मैं लिखा क्यों रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि पहले हम एंट्री करते कैश बुक में, फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं। ओके, देन हो गया लिख के, जय जो कैमरा इज नॉट ऑन, सी अब है ना नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैं फटाफट बता प्रॉब्लम में आता हूं। देखो ये हमने ना सब्सिडरी बुक्स की थी, परचेस बुक है ना, ये हमने, मैं पूरा नहीं लिखाऊंगा, इसमें एग्जांपल नहीं दूंगा। परचेस बुक क्या करते हैं हम लोग बताओ, हम लोग परचेस बुक में इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो पहला स्टेजेस क्या होता है हमारा बताओ, पहला स्टेज होता है फर्स्ट एंट्री इज मेड इन परचेस बुक विधि दिव्या मैत्री कैमराज आर नॉट ऑन। हम लोग को रोज बोलना पड़ता है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये लास्ट है वार्निंग, विधि अगेन इट इज ऑफ। दीप्ति योर कैमरा इज ऑल्सो ऑन ऑफ नाउ। विधि एंट्री इज मेड इन परचेज बुक, पहले एंट्री करते परचेज बुक में, फिर टोटल ऑफ परचेज बुक इज मेड, फिर टोटल करते हैं, फिर इंडिविजुअल सप्लायर्स आर क्रेडिटेड है ना, एंड देन टोटल ऑफ परचेज बुक इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देर आर फोर स्टेजेस, क्या करते हैं हम लोग पहले बताओ, चार स्टेप्स होते हैं। पहला हम परचेज बुक में एंट्री करते हैं, फिर परचेज बुक का टोटल करते हैं, फिर एक एक इंडिविजुअल सप्लायर को क्रेडिट करते हैं, और बाद में टोटल कहां डेबिट करते हैं परचेज अकाउंट में। सेल्स बुक, ये समझा तुम लोगों को चार स्टेप्स, अरे परचेज बुक की एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ये हमने किया हुआ है इसमें, चलो फटाफट। देन सेल्स बुक, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, इसकी एंट्री क्या होती है, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एंट्री इज मेड इन सेल्स बुक, टोटल सेल्स बुक
रिकॉर्ड, बराबर। लिखो यार, सेम वे क्या होता है, परचेज रिटर्न एट रिकॉर्ड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स, एंट्री क्या आएगी, सप्लायर्स अकाउंट टू परचेज रिटर्न। अब मुझे बताओ इसमें करते हैं क्या हम लोग, स्टेप्स क्या है। फर्स्ट, एंट्री इज मेड इन परचेज रिटर्न बुक, इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न, थर्ड इंडिविजुअल सप्लायर्स आर डेबिटेड, टोटल इज पोस्टेड टू, डेबिट ऑफ सॉरी क्रेडिट ऑफ अब ये चार स्टेप्स है। सेल्स रिटर्न, इट रिकॉर्ड्स गुड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, एंट्री एंट्रीज मेड इन, पहले एंट्री करते हैं यस ईशा बोलो क्या। और कहां से लिखना है, यहां से यहां से ना, तो देखो सब दिखाई देगा।
मिनट, हाँ क्या करते हैं, टोटल कस्टमर को डेबिट कर क्रेडिट करते हैं, आया समझ में? अब ये ना चार स्टेज है सुनो, और जर्नल तुम लोग को मालूम है, जर्नल इसमें स्टेप्स क्या है, एंट्री इज मेड इन जर्नल एंड सेकेंड पोस्टिंग इज मेड टू ईच एंड एवरी अकाउंट। ये तो तुम लोग किया ना जर्नल लेजर, हाँ। अब सुनो बता दो क्या है, सीयर इन परचेज बुक सेल्स बुक परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक देर आर फोर स्टेप्स। चार स्टेप्स है कि नहीं सब में? एंट्री करो, टोटल करो, इंडिविजुअल पोस्टिंग करो। नाउ मिस्टेक इन स्टेप वन तो क्या होगा, परचेज सेल्स अकाउंट और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न विल बी अफेक्टेड and also individual posting will be incorrect। देखो मैं तुम लोग क्या बताता हूं, देखो तुम लोग ने purchase book में entry की, समझो क्या entry की, purchase book में गलत लिख दिया पहले से, पहले तुम लोग यहां पर गलत लिख दिया, तुम लोग ने first step पे गलती कर दी, तो फिर total में तो wrong जाएगा ही, तो परचेज अकाउंट में भी रॉन्ग जाएगा और पार्टी अकाउंट में भी रॉन्ग जाएगा।
मिस्टेक इन स्टेप नंबर टू, दैट इज मिस्टेक इन टोटलिंग, क्या होगा? ओनली परचेज फटाफट प्रॉब्लम शुरू करते हैं, चार लाइन लिख के बहुत थियरी हो गई। ऊपर के नीचे तुम्हें ऊपर चाहिए कि नीचे? तो बस इसके बाद लिखा ही नहीं कुछ भाई। अगर टोटलिंग में मिस्टेक है ना तो ओनली परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न एंड मिस्टेक इन स्टेप नंबर थ्री, ओनली स्टेप नंबर फोर में ना मिस्टेक हुई ना, मतलब टोटल, तो ओनली परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये बाद में समझ में आएगा। चलो अभी शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। हाँ फिर टाइप्स ऑफ एरर्स है, बहुत सारे हैं। फिर सी है। तुम लोग है ना कोई भी स्टेप में, अभी एक चार स्टेप है याद रखना पहले हमेशा, क्या कि पहले बुक में एंट्री करते हैं, फिर टोटल करते हैं, फिर इंडिविजुअल को पोस्टिंग करते हैं, फिर टोटल की पोस्टिंग करते हैं, है ना।
तो ये चार स्टेप याद रखना,